सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 बेस्ड ऑन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। तो देखिए पिछला क्वेश्चन अभी जब मैंने कराया था वो टेन की फॉर्म में कराया था, ये कॉस की फॉर्म में है। तो मैंने आपको बताया था सिर्फ टेन में ही आपको आई से माइनस आई रिप्लेस करना है, ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी देखा और उसको आई से माइनस आई में रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो आपको दिया क्या है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा राइट इक्वल टू आर ऑफ इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, प्रूव दैट ई टू द पावर टू बीटा, दिस इज टू बीटा इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा है। बहुत सिंपल, बस ध्यान से देखिएगा, ये मैंने लिख लिया गिवन है कॉस ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दोनों तरफ बस क्या करिए, आप फॉर्मूला लगा लीजिए। पहले तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी राइट इक्वल्स टू, इसको आप सेम लिखा रहने दीजिए, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, तो अब कॉस ऑफ आई थीटा, अब मैंने पहले बताया था हाइपरबोलिक ऑफ कॉस थीटा, सो दिस इज कॉस अल्फा हाइपरबोलिक ऑफ कॉस बीटा माइनस साइन ऑफ आई थीटा इज आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, सो आई आ जाएगा पहले, साइन अल्फा हाइपरबोलिक ऑफ साइन बीटा इक्वल्स टू, अब इसे आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा राइट। अब यहां से आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करा सकते हैं इजिली, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट, क्या मिलेगा आपको, कॉस अल्फा हाइपरबोलिक ऑफ कॉस बीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आर कॉस थीटा राइट। नेक्स्ट इज माइनस साइन अल्फा हाइपरबोलिक ऑफ साइन बीटा इक्वल टू आर साइन थीटा, तो इसको आप फर्स्ट बोल दीजिए, इसको आप सेकंड। अब प्रूफ पे अगर थोड़ा सा नज़र डालिए तो प्रूफ में सिर्फ अल्फा थीटा और बीटा है, कहीं भी आर नहीं है, तो मेरी समस्या ये आर है, तो आर को कैसे ख़त्म किया जाए, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं या टू को फर्स्ट से डिवाइड करूं तो अपने आप ही आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास अल्फा थीटा और बीटा बचेगा, बाकी देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। सो डिवाइड फर्स्ट बाई सेकेंड, फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए तो क्या आपको मिलेगा, कॉस अल्फा हाइपरबोलिक ऑफ कॉस बीटा डिवाइडेड बाई माइनस साइन अल्फा हाइपरबोलिक ऑफ साइन बीटा इक्वल्स टू आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा, तो ये आर से आर कैंसिल हो गया, आपकी समस्या खत्म। अब क्या करना है, आप देखो ऊपर एक बार प्रूफ में क्या, अल्फा और थीटा एक साथ हैं, तो आप वही बस ध्यान रखिए, अल्फा और थीटा को एक साथ रखिए, बीटा को अलग, तो ये बीटा वाला पोर्शन है तो इसको अलग रख लीजिए, कॉस हाइपरबोलिक बीटा ओवर साइन हाइपरबोलिक बीटा इक्वल्स टू, तो आपका ये पोर्शन यही रह गया, बाकी को इधर सरका दीजिए, माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा इधर आ गया, इधर से कॉस अल्फा नीचे चला जाएगा, कॉस अल्फा साइन थीटा राइट। अब इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए अपना हाइपरबोलिक का, तो अगर फॉर्मूला लगाओगे इसमें तो देखिए नीचे का टू तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर, ई टू दी पावर हाइपरबोलिक बीटा ई टू पावर बीटा प्लस ई टू पावर माइनस बीटा, ओके डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा ई टू पावर बीटा माइनस ई टू पावर माइनस बीटा, दोनों के नीचे टू आता वो कैंसिल कर दिया मैंने, ये हो गया माइनस साइन अल्फा, ये एज इट इज लिखेंगे आप, साइन अल्फा कॉस थीटा ओवर कॉस अल्फा साइन थीटा, तो आपको यहाँ से दिख ही रहा होगा करना क्या, सेम अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बच्चे इसकी स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं तो थोड़ा सा देख लेना एक बार, अप्लाई कंपोनेंट डिविडेंडो वी गेट, तो क्या मिलेगा आपको, जब कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी, तो ए आपका क्या है ई टू पावर बीटा प्लस ई टू पावर माइनस बीटा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ई टू पावर माइनस बीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ई टू पावर बीटा
प्लस ई टू पावर माइनस बीटा और माइनस ई टू पावर बीटा और माइनस माइनस हो गया प्लस ई टू पावर माइनस बीटा। बहुत सिंपल सा है लर्न करने के लिए, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, राइट इक्वल टू ये आपका ए माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे सेम माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब देखिए ऊपर से कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास वो लिख दीजिए। तो ऊपर बचा आपके पास टू ई टू पावर बीटा, नीचे क्या बचा टू ई टू द पावर माइनस बीटा, राइट। अब इसको थोड़ा सा आप देखिए क्या बना सकते हो, फॉर्मूला बनाना मुझे साइन अल्फा माइनस थीटा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो माइनस मैंने ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ मैं, माइनस यदि मैंने कॉमन लिया तो साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा, राइट। नीचे से भी माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा, राइट। ये माइनस से आपका माइनस कैंसिल, ये टू से आपका टू कैंसिल, इसको आप ऊपर ले जाइए तो आपका ये जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा, ई टू द पावर ये हो गया टू बीटा इक्वल्स टू, यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सो दिस इज साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सो दिस इज साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा, ओके। ये आपका आ गया आरएचएस हेंस फॉर्मूला। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच। तो बेटा ये आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, मैं दे रहा हूँ इसको, लास्ट में आप लिख लीजिएगा, मैं बस बता दे रहा हूँ एक बार, इसको डिक्टेट कर दे रहा हूँ। इफ़ टेन ऑफ थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा, दिस इज सेक एस ई सी, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट ई टू पावर टू फाई इक्वल टू प्लस माइनस cot alpha by 2 and second part is 2 theta equal to n plus half pi plus alpha, okay, this is your question, right। hint वही है, 10 का question है, plus i है, i को minus i से replace कर लीजिएगा, ये आपके लिए hint है, तो आप पहले करिए, नहीं होगा तो मुझे comment section में जाकर comment कर दीजिएगा, उससे पूछ लीजिएगा, okay, thank you।